धोनी ने दो साल बाद वापसी कर चेन्नई सुपर किंग्स को तीसरी बार आईपीएल का खिताब जिता दिया, लेकिन धोनी को इस जीत की वजह नहीं बताया जा रहा है। धोनी की जीत की वजह कोई और है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं उस सनसनीखेज खबर के बारे में जिसने क्रिकेट जगत को दहला कर रख दिया है। जिन ऑस्ट्रेलियाई और इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा है, आखिरकार क्या है उनका सच, चलिए जानते हैं। मैच फिक्सिंग का जिन एक बार फिर बाहर आ गया है। अल जजीरा चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि पिछले दो सालों में 3 टेस्ट मैच दरअसल फिक्स थे। इनमें दिसंबर 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई टेस्ट, मार्च 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रांची टेस्ट, जुलाई 2017 में श्रीलंका के खिलाफ गोल्ड टेस्ट शामिल है। इस चैनल की डॉक्यूमेंट्री क्रिकेट मैच फिक्सर्स में जिन लोगों के नाम उभर कर सामने आए हैं उनमें भारत के पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर रॉबिन मॉरिस का नाम शामिल है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के 2 तो इंग्लैंड के 3 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया गया है। हालांकि इन खिलाड़ियों के बोर्ड का कहना है कि खिलाड़ियों के खिलाफ कोई पक्के सबूत नहीं मिले हैं। सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, इस डॉक्यूमेंट्री में पिच क्यूरेटर्स पर भी मैच फिक्सिंग के कई बड़े आरोप लगे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में गोल के क्यूरेटर थरंगा इंडिका और कोलंबो के खिलाड़ी थरिंडू मेंडिस को अंडरकवर एजेंट से बात करते हुए दिखाया गया है। आईसीसी ने इस मामले में चैनल से स्टिंग का पूरा कंटेंट हासिल कर लिया है और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। अंतरराष्ट्रीय मैचों में मैच फिक्सिंग का ये मामला नया नहीं है। इससे पहले साल 2010 में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच हुए लॉर्ड्स टेस्ट में पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर स्पॉट फिक्सिंग के दोषी पाए गए थे। इन्हें जेल की सजा भी हुई थी। अब अगले साल इंग्लैंड में वर्ल्ड कप होने वाला है। आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट की निगाहें इस बड़े टूर्नामेंट पे बनी रहेंगी। एक तरफ जहां मैच फिक्सिंग की ये खबरें क्रिकेट के फैंस को दहला रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती जा रही है और ये है महेंद्र सिंह धोनी। धोनी की कप्तानी में चेन्नई ने 3 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसके अलावा धोनी की झोली में कई बड़े टूर्नामेंट हैं। फिर चाहे वो साल 2011 का वर्ल्ड कप हो, टी20 वर्ल्ड कप हो या फिर चैंपियंस लीग, क्या है आखिरकार धोनी की जीत का राज, चलिए डालते हैं इस पर एक नजर। धोनी आईपीएल के टूर्नामेंट के इतिहास में सर्वाधिक 33 स्टंपिंग करने वाले पहले विकेटकीपर बन गए हैं। धोनी से पहले ये रिकॉर्ड 32 स्टंपिंग के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स के विकेटकीपर रॉबिन उथप्पा के नाम था। धोनी सबसे ज्यादा आईपीएल फाइनल में खेलने वाले खिलाड़ी भी हैं। वे अब तक 8 खिताबी मुकाबलों में शिरकत कर चुके हैं। लेकिन इस बार धोनी की जीत का कारण उनकी बेटी और उनकी पति को माना जा रहा है। जी हाँ, सब यही कह रहे हैं कि धोनी की जीत का कारण उनका लेडी लक है। उनके कई फोटोज और वीडियोस मैचेस के बाद अपनी बेटी जीवा के साथ वायरल हुए हैं। आइए डालते हैं इन फोटोज और वीडियोस पर एक नजर। पापा को क्या करना है? पापा को अब करना, कैसे करना है? कैसे दिखाओ? आप लोगों ने जाओ ना। मैं जाऊंगा, कैसे हाथ करें? पापा को बुलाओ ना। चलिए बैटिंग के टाइम पे कोई और टाइम होता तो मैं मैं ना कैसे जाऊं? आपने ये पहना है? हाँ, इसीलिए। तो ये थी इस हफ्ते की बड़ी खबरें। खेल जगत में और क्या हो रहा है ये हम आपको बताएंगे
अपने अगले एपिसोड में।